अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का फिज़िक्स का जो पांचवा सबक है सकल यानी कि ग्रेविटेशन, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पहला सबक है इकाइयां और पैमाइशें, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। और जो हमारे जो सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इंशाल्लाह हम ये ग्रेविटेशन के ख़त्म होने पर वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर लेने का मकसद बस इतना ही है कि आप जो है ग्रेविटेशन यानी कि जो सकल है, इस सबक से आप कुछ हद तक जो है वो फैमिलियर है। 10th क्लास में आप लोगों को साइंस फर्स्ट के अंदर जो पहला सबक ग्रेविटेशन था, इसके अंदर भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो है चैप्टर के अंदर जो भी बेसिक टर्म्स हमें लगेंगे और जो भी कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से हम जो है सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, दायरवी हरकत क्या होती है, कैपलर के खवानीन क्या है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेरिवेशंस को क्या है देखेंगे। तो वीडियो को जो है आप गौर से देखिए, समझिए, इसके पॉइंट्स जो है वो आप नोट कीजिए और यहाँ पर कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। What are the effects of the force acting on an object? किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होते हैं? तो यानी जब भी हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कुव्वत लगा रहे हैं, तो वो उस चीज में क्या होगा? नंबर वन, इट कम इन स्टेट ऑफ मोशन। नंबर टू, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। नंबर थ्री, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। एंड नंबर फोर, इट्स शेप चेंजेस। यानी वो मुतहरिक हो जाएंगी, वो हरकत में आ जाएंगी, उसकी सिमत जो है वो बदल जाएंगी, उसकी रफ्तार जो है वो बदल जाएंगी, और नंबर चार जो है इसकी शक्ल भी बदल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ? आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है? तो हमें चार जो है फोर्स की किस्में पता है। नंबर वन, बैलेंस्ड फोर्स, मुतवाजन कुव्वत। नंबर टू, अनबैलेंस्ड फोर्स, गैर मुतवाजन कुव्वत। नंबर थ्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बरकी मखनातीसी कुव्वत। और नंबर चार, न्यूक्लियर फोर्स यानी न्यूक्लियाई कुव्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? सकली कुव्वत कशिश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, चैप्टर जो है टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन या सकली कुव्वत कशिश या जिसे हम जमीन की कशिश, ये भी आसान जुमलों में जो है हम कहते हैं, तो जैसे ही ये हमारे जहन में आता है तो हमें याद आता है न्यूटन और उससे रिलेटेड स्टोरी। तो क्या है जानते हैं। एज वी हैव लर्न्ड, द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन। न्यूटन ने जो है सकली कशिश दरियाफ्त की है और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से सेब जो है वो जमीन की तरफ जो है वो गिरता है। इट ऑलवेज फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका रीजन क्या है? तो जब उन्होंने इस बात के ऊपर तहकीकात की तो ये नतीजा अख्ज किया कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी जानिब खींचती है और ये जो कुव्वत कशिश है, इसकी जो खींचने की सलाहियत है, वो हमेशा जमीन के मरकज की जानिब होती है। यानी द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट ऑलवेज फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स एंड मोशन के बारे में, कुव्वत और रफ्तार के बारे में। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम किसी चीज पर क्या करते हैं, कुव्वत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी रफ्तार की कदर और हरकत की सिमत दोनों में क्या हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। यानी व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स देन इट चेंजेस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। यहाँ पर आपको न्यूटन के बारे में दिया गया है तो सरसरी तौर पर आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई जिस्म
दायरे के मुहित के अतराफ में गर्दिश करता है। ऐसी हरकत दायरवी हरकत कहलाती है। जिस तरीके से आप लोगों को ये एनिमेशन में नजर आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर तरीके से क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसकी जो हरकत है वो दायरवी हरकत है, सर्कुलर मोशन है। अब इसे समझने के लिए आप लोगों को जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें हम देखते हैं कि एक गर्ल है और उसके हाथ में जो है वो एक स्ट्रिंग है, धागा है, और उसको एक स्टोन पत्थर बंधा हुआ है। और ये पत्थर को क्या करना है, स्ट्रिंग को हमने घुमाना है। तो ये जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमेंगी, गोल घूमेंगी। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जिम्मेदार है। यानी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, क्यों? तो इसका रीजन होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, दायरी मदार में घूम रहा है, तो उस बॉडी पर एक कुव्वत, एक फोर्स हमेशा अमल करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की जानी होगी। यानी हमेशा वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है बॉडी को हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है, इसलिए सेंट्रिपिटल मीन सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की जानिब खींचने वाला। यानी आप हमेशा ये बात याद रखिए कि जहां पर भी हमें सर्कुलर मोशन नजर आए, जहां पर भी दायरवी हरकत हो रही है, तो उसका जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो है वो कौन है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल दी गई है। जिस तरीके से सन के अतराफ में जो है वो अर्थ जो है वो क्या हो रही है, घूम रही है, तो ये मोशन भी जो है वो सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन है इसका मतलब कि वहां पर जो फोर्स होगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स है। दैट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अतराफ में घूम रहा है। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन है। सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको मैरी गो राउंड नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमें सर्कुलर मोशन दिखेगा, सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब कि सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। इस तरीके से आप लोगों को सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैपलर के बारे में। इस तरीके से यहाँ पर कैपलर की इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सरसरी तौर पर इसे भी पढ़ सकते हैं। अब हमें देखना है कैपलर के खवानीन। इंसान जो है हमेशा से इस बात का उसे तजस्सुस रहा है कि सितारे, सैयारे, फलकियात, कहकशा के बारे में वो हमेशा स्टडी करता है। इसलिए कैपलर्स ने भी कुछ खवानीन पेश किए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, और वो लॉज कहलाते हैं कैपलर्स लॉज। तो कैपलर के तीन खवानीन हैं, थ्री लॉज हैं। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ बताया गया है। तो हम देख लेते हैं कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर का पहला कानून। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सबसे पहले तो जान लेते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स का जो शेप है वो एग की तरह होता है, अंडा बैजवी शक्ल का, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इलिप्स को दो फोकस होते हैं, ये एक फोकस है, ये एक फोकस है, दो फोकस है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक फोकस पर हमेशा सन होगा। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ये जो ऑर्बिट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ऑर्बिट किस शेप का है? इलिप्स है, ये बैजवी मदार है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जिसके एक फोकस पर क्या होगा? हमेशा सन होगा। इस फिगर में भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक फोकस के ऊपर जो है वो सन है, और इस तरीके से अर्थ उसके अतराफ में जो है वो रिवॉल्व हो रही है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सन जो है वो एक फोकस पर है और तमाम प्लैनेट्स जो है इसके अतराफ में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को।
सेकेंड लॉ हम देखेंगे कैपलर का दूसरा कानून, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हो रहा है, मतलब ये जो सन है और सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, स्वीप्स मतलब कि झाड़ना, कवर करना। तो ए से बी का जितना एरिया कवर हुआ है सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, उतना ही सी से डी पर जाने के लिए भी सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा। ई से एफ को जाने के लिए भी सेम टाइम में सेम एरिया जो है वो कवर होगा। यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू बताया जा रहा है जिस तरीके से ये ब्राउन कलर के पार्ट में इतने टाइम में इतना एरिया कवर हो रहा है, उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में सेम टाइम में सेम एरिया जो है वो कवर हो रहा है। तो ये हो गया है कैपलर का दूसरा कानून कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम, खत मुस्तकीम मीन्स लाइन, यकसा वक्फ़ वक्त में यानी सेम टाइम में, यकसा इलाका या रकबा तय करता है यानी सेम टाइम में सेम एरिया को जो है वो कवर करता है। नेक्स्ट थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, कैपलर का तीसरा कानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे के गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सन के आतराफ में जो प्लैनेट जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसको घूमने के लिए जो टाइम लगेगा, वक्त का मुरब्बा यानी क्या है, जो टाइम का स्क्वायर है, टी स्क्वायर, इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास तनासुब में होता है, यानी सन को और प्लैनेट को जोड़ने वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, आर है, उसका आपको क्यूब लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है, आर क्यूब का आर क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे हमें हमेशा कॉन्स्टेंट लेना होता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो है के। तो इस तरीके से यहाँ पर कैपलर का थर्ड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ के बेसिस पे आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आपने याद रखना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैपलर के लॉज जो है वो खत्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सकली मुस्तकिल यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसी तरीके से सकली इसरा को डिस्कस करेंगे। तो आप ये तमाम पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।